हेलो एवरीवन, मैं आज लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। वो पल बस आने ही वाला है दोस्तों। एसएससी के द्वारा आज एक नोटिस निकाला गया है, जिसमें कि आगे के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। लेकिन उस सब को जानने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है वो नोटिस और क्या है वो आपके लिए गुड न्यूज़, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एसएससी के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस निकाला गया है, जिसमें कि एसएससी के द्वारा ये बताया गया है कि कैंडिडेट्स में प्लीज़ रेफ़र टू द इम्पॉर्टेंट नोटिस डेटेड 27/2/2023। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी 2023 का जो इम्पोर्टेंस नोटिस था, जिसमें कि ये बताया गया था कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म्स, जो कि ऑनलाइन इस बार भरा जाएगा, उससे रिगार्डिंग ये नोटिस है। वहीं दोस्तों, उसी के कंटिन्यूएशन में ये नया नोटिस डाला गया है, जिसमें कि एसएससी के द्वारा बताया गया है कि जितने भी बच्चे जो कि 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को एसएससी स्टेनो के स्किल टेस्ट के लिए रीअपियर हुए थे, उन सभी के लिए ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म आने वाला है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में ही एसएससी के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर आप उसको अपने कैंडिडेट लॉगिन करके अपने ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड, जो आपका एसएससी का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आप जब उसे लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप इस पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके कुछ दिनों बाद, मैक्स टू मैक्स 15 दिनों के बाद, आपका फाइनल रिज़ल्ट आउट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, वो बस कुछ दिनों दूर है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एसएससी की वेबसाइट को डे टू डे विजिट करते रहें, और जब भी आपको दिखता है कि प्रेफरेंस फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो गया है, तब आप अपना कैंडिडेट लॉगिन आईडी लॉगिन करके उस प्रेफरेंस फॉर्म को अच्छे से फिल कर दें। और दोस्तों, आने वाले दिन में हम ये भी बताना चाहेंगे कि जब भी एसएससी के द्वारा फाइनल वैकेंसीज आउट की जाएंगी, तो उस वैकेंसीज के आधार पर क्या रहेगी आपकी कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। फिर मिलूँगा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।